और अब आपको जांजगीर चांपा के डोंगा कोहरोद गांव की ऐसी सड़क दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सड़क है कहां, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये कोई नहीं बता सकता। जी हां, बलौदा बाजार से रायपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। और तो और सोचने वाली बात तो ये है कि सिर्फ तीन किलोमीटर के इस मार्ग को सुधारने में बीते 5 सालों से काम किया जा रहा है, लेकिन काम के नाम पर क्या हो रहा है वो आपके सामने है। बता दें कि इस सड़क को पार करने से कई ग्रामीण हादसों का शिकार हो चुके हैं। भारी वाहन प्रवेश निषेध के बाद भी धड़ल्ले से ओवरलोडेड ट्रक हाईवा यहां से चलाए जाते हैं। साथ ही अब सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीण उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। पामगढ़ जा रही थी तो मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए ना मेरे इस पैर का मार्क्स कम आया है। इसके जिम्मेदार सिर्फ उन्हीं को देना चाहूँगी जो इस रोड को बनने नहीं दे रहे हैं। देखो, समस्या ये है कि यहाँ पे बहुत गड्ढे वगैरह हैं और 3 से 4 बार ज़्यादा रिपेयरिंग हो चुका है, फिर भी रास्ता जो है ठीक नहीं है। और यहाँ पे बाइक से अगर पामगढ़ पढ़ने जाओ तो गड्ढे के वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और मेरा पैर भी एक बार टूट चुका था, उससे मैं 6 महीना स्कूल नहीं जा पाया, उससे मेरा मार्क्स थोड़ा कम आया। क्या मतलब स्कूल जाए में परेशानी है, हर चीज़ में परेशानी है। सबसे बड़ी समस्या है तो अभी स्कूलें जाए के परेशानी दिखत है मोर नज़र में। लड़का मतलब एक गड्ढा में लेके अगर गाड़ी वाला भी जाते तो बाइक में जगह जगह गिरा थे, अगर कार वाला भी जाते वह जगह जगह गड्ढा है तो वह में परेशानी है। कलेक्टर के आदेश होए के बाद भी एमा रिपेयरिंग के काम हो ही कहीं से 4 हाईवा गिट्टी ले गिरा दिस और आगे कोई कार्य नहीं, वो रिपेयरिंग हो गयो। ओकर बाद एमा बाहरी वाहन प्रवेश निषेध जगह जगह बोर्ड लगे है, ओकर बावजूद रोजाना बड़े बड़े गाड़ी धड़ल्ले से चलत है, एक पर कोई सुनवाई नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं पामगढ़ के सजहा रोड के बीच जो है डोंगा कोहरोद गांव में, जहां की सड़क पूरा कचूमर हो गया है। बीते 3-4 साल से ये सड़क के खस्ता हाल, लगातार यहां कई दुर्घटना हो चुके हैं, कईयों के जान जा चुके हैं, तो कई के हाथ पैर टूट चुके हैं। हम इस सड़क की बात करते हैं तो यहां क्षेत्रीय विधायक के गुरुग्राम भिलौनी भी आती है, पूर्व जो हिंदू बंजारे थी वो, उनके द्वारा लगातार कई तरह के वो तो किया गया, लेकिन अब तक अंजामा नहीं बन पाया। और बीते वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने भी किसी तरह के कदम नहीं उठाए इस सड़क को बनाने के लिए, अभी वर्तमान सरकार भी किसी तरह के कदम नहीं उठा रहा है। और प्रशासन से लगातार ग्रामवासी जो है गुहार लगाते थक गए हैं, आखिरकार अब यह धरना और आंदोलन के लिए उतारू हो गए हैं आक्रोशित ग्रामीण। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो सड़क के बीच में यहाँ मैदान पर उतरे हैं और लगातार नारा लगा रहे हैं कि सड़क बनाओ और जान बचाओ करके। जी बताएंगे यहाँ किस तरह की समस्या होती है और कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं अभी तक? यहाँ रोज दुर्घटना होते हैं, यहाँ आए जाए में रोज परेशानी होते, देख लेवा कत्ता बड़े बड़े गड्ढा है, ये भी तो कम है और आगे रोड में बहुत ज्यादा गड्ढा है। की स्कूल ड्रेस में देखा पूरा कैसे है, एकदम से पूरा रोज कीचड़ में लथपथ हो जाते है। मैम स्कूल जाते तो मतलब बैठे में भी परेशानी होते और रोज दुर्घटना होते, 5 जन 10 जन रोज गिरते रोड में। हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारे गांव के डोंगा कोहरोद के रोड ला जल्द से जल्द बनाए। हमन कलेक्टर ऑफिस भी गए रहे जन दर्शन में 10 तारीख के 10-6 के, तो वहाँ आश्वासन दे रही से कि बन ही कह के, ओकर बाद आए तो दूसरा दिन ही गिट्टी गिराए के चालू हुई से वह गिट्टी गिराई से, लेकिन बड़े बड़े गाड़ी चला थे भारी वाहन तेकर से गिट्टी पूरा ए पार फेंका गए और एक भी गिट्टी नहीं है, पूरा गड्ढा के गड्ढा जस के तस हो गए। और इसी देर करेंगे जांजगीर से संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, बहुत ज्यादा परेशानियां लोग अपनी गिना रहे हैं और शिकायत भी की गई है मुख्यमंत्री से, आज भी बार बार गुहार लगाई जा रही है कि सड़क बनवा दीजिए अब। जी आपको बता दूं, ये तस्वीर दिखा रही है यहाँ पे ना पूरा गड्ढे के ऊपर सड़क बने, शायद वो मलबा नहीं दिख रहे हैं आपको, दिखा रही है तस्वीर, ये गड्ढे में रोज हादसे के लोग शिकार हो रहे हैं, कईयों की जान चली गई है। तो जो है एक्सीडेंट होने के बाद जो है स्कूल उनके मास्क कमाए हैं, महिलाओं में काफी आक्रोश है। ग्रामीण वासी से हम बात करते हैं किस तरह से यहाँ आक्रोश भरा है और सरकार के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ भी इन लोग अब आक्रोशित हो चुके हैं, धरना आंदोलन के लिए उतारू हो चुके हैं, आखिर कितना सहे, प्रशासन के पास जाते हैं तो इधर से उधर से बात करते हैं, आखिर इनकी सुनवाई कहां पर होगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। उच्च अधिकारी कुर्सी पर बैठ के सिर्फ तमाशा देखने को ग्रामीणों को मजबूर कर दिया है। हम बात करते हैं यहाँ, जी बताएंगे यहाँ किस तरह की समस्या होती है और क्या समस्या है मूल वजह।
मूल वजह है यहाँ का खराब रोड। यहाँ हमारी कुछ नहीं सुनी जाती, हमारे हक में आता है तो सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन आता है। ये रोड पिछले न जाने कितने सालों से ऐसे ही है। जब तक यहाँ पर कुछ दुर्घटना कुछ हादसा नहीं हो जाएगा तब तक शासन और प्रशासन ध्यान नहीं देंगे। हम सब बहुत आक्रोश में है और अगर ये रोड नहीं बनेगा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। अभी आगामी पंचायत चुनाव आने वाला है, हमारी सुनी जाए। रोड नहीं तो रोड नहीं तो जिला प्रशासन। जिस तरह से जिला प्रशासन और सत्ताधारी के साथ साथ पूर्व जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो आक्रोश है वो काफी मुश्किल में डाल रही है। लोगों की चिंताएं हैं कि आखिर उनके घर परिवार उनके परिजन कोई दुर्घटना के शिकार ना हो जाए, क्योंकि दुर्घटना के शिकार काफी समस्या होती है। जी बताएंगे किस तरह की समस्या होती है, जी बताइए आप। यहाँ बहुत समस्या होते, रोज के स्कूल के जाना आना है वो है रोज बाधित होते, वह पानी भी गिरते, थोड़ा सा भी पानी गिरते तो कीचड़ माँ लड़का मान ला गाड़ी नहीं आवाए स्कूल जावा नहीं, स्कूल के रोज काम हो जाते वो मन के। प्रशासन आपको किस तरह गुमराह कर रही है, क्योंकि प्रशासन के पास आप गए समस्या का समाधान नहीं निकला, कलेक्टर और एसपी के पास गए तो क्या हुआ? प्रशासन के पास लग गए थे हम लोग तो आश्वासन दिए थे कि बनेगा और गिट्टी डलवाए थे दूसरे दिन ही, लेकिन वो गिट्टी भारी वाहन के चलते इधर उधर बिखर गया है और पूरा गड्ढा जस के तस हो गया है। क्या चाहते हैं ऐसे प्रशासन के अधिकारी जो निकम्मे हैं, जो समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो उसको क्या उस कुर्सी में बैठने का अधिकार है? नहीं, अधिकार नहीं है, उनको तुरंत हटाया जाए और जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे और जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब जो हम लोग पंचायत चुनाव का बहिष्कार। समस्या के जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इस समस्या का शासन को मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सरकारी जमीन है, रोड तो पीडब्ल्यू का है तो सरकार चाहती तो वो तुरंत बना सकती थी। और यहाँ जो खेत में टावर लगा है उसके लिए हौज खड़ा करके उन्हें टावर लगा लिए, लेकिन रोड के लिए उसके पास कोई काम नहीं। निश्चित ही प्रशासन की जब काम आती है तो वो अपने फौज लगा के जो है अपने काम निकलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते थे, लेकिन जब ग्रामीणों की समस्या आती है तो वो मन साथ लेते हैं। हम एक लड़की से बात करते हैं जिनकी परीक्षा में मार्क्स कम आ गए, इनकी एक्सीडेंट हो गई थी और वो स्कूल जाने से वंचित हो गई, पढ़ाई कम हुआ, चूंकि गाँव में संसाधन कम होते, ट्यूशन की सुविधा नहीं होती है, इस कारण वो सही समय पर स्कूल ना जाके पढ़ाई ना कर पाए, इसके कारण इसको 12वीं में जो है ये शायद प्रदेश के टॉप 10 में होती वो भी वंचित रह गई। जी बताइए आपको किस तरह की समस्या हुई? सर यहाँ तक कि मेरे को पता है कि मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा आता है, मैं स्कूल ना जाने के कारण मेरा मार्क्स बहुत कम आया, क्योंकि इस रोड में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे पैर में चोट आ गया था, इसका कारण मेरा मार्क्स बहुत कम आया। इसका जिम्मेदार है सिर्फ शासन को देना चाहूंगी, सरकार वो जो है वो इस रोड को बनाने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार को देना। यानी कि कुल मिलाकर कैलाश यहाँ पर जो छात्रा है इसकी जाहिर सी बात है भविष्य के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ हो गया, क्योंकि एंड मौके पर इसके पैर में फ्रैक्चर आ गया और उसकी वजह से एग्जाम दे पाना मुश्किल रहा। शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, आप अपनी बातचीत लगातार जारी रखिए और आप ये देखिए कि जो हर वर्ग इस खराब रोड से परेशान है और देखना ये कि इस खबर को दिखाने के बाद क्या कोई यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। खबर बलौदा बाजार से जहां पर हिंसा मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है।